बोला कि हम 300 बार क्यों नहीं क्या किया, मैंने जवाब तो नहीं लिखा लेकिन लोगों के सामने बोला शेर शाहवादियों ने ये काम किया, बाल बिहार शेर शाहवादी एसोसिएशन के लोगों ने ये काम किया कि जिस काम को आज जिसके बदौलत किसी दूसरे को गलत सर्टिफिकेट बनाने वाले को जो उसको हटाने का काम किया वो भी शेर शाहवादी एसोसिएशन का ही काम है दोस्तों। देखिए हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो आप देखे होंगे मेंबर अगर है तो एक खानदान को पकड़ता है कि खानदान जीत गए तो हम चुनाव जीत गए, अगर वार्ड जो जिला मुखिया एमएलए और एमपी लड़ते हैं या मुखिया लड़ते हैं इन लोगों का सोच एमएलए एमपी का सोच होता है हम बूथ जीत गए चुनाव जीत गए, मुखिया का सोच होता है वार्ड जीत गए हम चुनाव जीत गए। दोस्तों आप एक पंच बने हैं, आप एक सदस्य बने हैं, मेंबर बने हैं, आप एक समिति बने हैं और इस बिरादरी को अगर सुधारना है सब लोग बोलते हैं सारे लोगों के बहुत एक ही बात है कि आज हम लोग पीछे हैं, आज हम लोग पिछड़े हैं, भाई इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाना होगा। दोस्तों जनप्रतिनिधियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस तालीमी मैदान में आपको और हमको आगे बढ़ाने के लिए आपके समाज ने मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी या हमारी कोई ताकत नहीं है इस वक्त इस हिंदुस्तान में या इस बिहार में या इस किशनगंज में या किसी भी पंचायत में आपकी अपनी ताकत नहीं है कि सारे लोगों का वोट लेकर आप इलेक्शन जीत जाएंगे। आपकी अगर ताकत है कोई अगर बोलता है कि नहीं मैं अपनी ताकत से जीता हूँ या तो वो आरक्षण में जीता होगा, वो आरक्षण है और मजबूरी के तहत आपको वोट डाला होगा दूसरे लोग, नहीं तो आपको डालने वाले नहीं थे। ये सबके साथ यही है, आप जितने पढ़े लिखे हो जाए आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टरेट कर लिए हैं, पीएचडी कर लिए हैं, फिर भी आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों इस पर भी गौर करने की जरूरत है, क्या कमी हमारे बीच में है, क्या हमारे अंदर कमी है जो आज दूसरे जात के लोग, दूसरे बिरादरी के लोग, दूसरे कौम के लोग, मैं सिर्फ उनके खिलाफ बोलने के लिए आज खड़ा नहीं हूँ दोस्तों, मैं अपने अंदर झांकने के लिए भी खड़ा हूँ, क्या कारण है कि आज दूसरे बिरादरी के लोग हमको वोट नहीं डालते हैं। और जब आप बात करते हैं जब पंचायती वगैरह में हम लोग जाते हैं तो बोलते नहीं नहीं, नहीं। वो इसराइल साहब है वही फैसला करेंगे, वो अच्छा अब्दुल रहमान साहब है वही फैसला करेंगे, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो हमको वोट नहीं डालते हैं। दोस्तों आपको हमको सोचने की जरूरत है और इसी सोच के वजह से इसी सोच को सोचने के लिए आज का ये प्रोग्राम है, ना कि आज हम शिकवा शिकायत करने के लिए प्रोग्राम रखते हैं। आप एक मेंबर बने हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको मेंबर क्यों बनाया, बिरादरी के लोगों ने, खानदान के लोगों ने, इलाके के लोगों ने सपोर्ट करके आपको मेंबर बनाया, क्यों बनाया, क्या करना होगा आपको, आपके आपके वार्ड में आपके आपके जो वार्ड है जिस वार्ड के मेंबर है उसमें मुश्किल से दो चार लड़के मैट्रिक पास है, इंटर पास तो मुश्किल से है, मैंने देखा है हमारे 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 गांव में, मैं जिस गांव से आता हूँ एक भी आईएएस करने वाला एक भी बच्चा नहीं है, दो चार लड़का आईएएस किया है किसी तरह से उसके बाद उसका खत्म। अब समाज सुधरना चाहते हैं और जिस कौम के पास जिस कौम का पहला ये हो कि इकरा और जिस काम कौम को पहला हदीस बताया कि तलब अलीम और हरी का तुम्हारा कुल मुस्लिम, जिस कौम को बताया कि इन हासिल करना फर्ज है, वो कौम आज तालीम में बिल्कुल पीछे है। आपका एक मैट्रिक का बच्चा नहीं है और ये तालीम के मैदान में तालीमी बेदारी की बात हो रही है लेकिन अपने अंदर जो कमी है उसको उजागर हम लोग नहीं कर रहे हैं। तालीमी बेदारी करने की क्या सूरत है, आपके पास सरकारी इदारे हैं, सरकारी स्कूल हैं, आप मेंबर बने हुए हैं, आप मुखिया बने हैं, आप समिति बने हैं, आप जिला परिषद बने हैं, आप प्रमुख बने हुए हैं और आपका मदरसे में चार बच्चे नहीं है और 400 का हाजिरी हो रहा है, आपके स्कूल में 30 बच्चे नहीं है 300 का हाजिरी हो रहा है, आपका टीचर ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं और आप मेंबर बने हुए, आप बोलते मेरा काम थोड़ा हुआ है, मेरा काम विकास करना, मैं बोलता हूँ कि विकास किस चीज का नाम है, विकास आप किसको कहेंगे, क्या आप
आपके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप बड़े पैसे वाले हैं, मुखिया बन गए, जिला परिषद बन गए, समिति बन गए, आप बाल मंदिर और कृष्ण स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन आपका गरीब का बच्चा, जिसलिए आपको चुना है कि आपका बच्चा उस स्कूल और मदरसे में पढ़ेंगे जो सरकारी स्कूल और मदरसे हैं, भाई वो सरकारी नहीं गैर सरकारी है, आप पढ़ा लेंगे 2000 टका महीना देंगे, लेकिन आपका जो गरीब का बच्चा है उसको कौन पढ़ाएगा? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? तालीमी बेदारी और राजनीति में आपको आगे आने के लिए आपके वार्ड के जो बच्चे स्कूल और मदरसा खुला हुआ है जिसमें टीचर तो है पढ़ाई जीरो, जिसमें 30 बच्चे हैं और 300 का हाजिरी बन रहा है, क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है? हम सबों की जिम्मेदारी नहीं है? दोस्तों मैं आपका शिकायत नहीं करता हूँ, आप डरते होंगे कि तो मैं भी जनप्रतिनिधि बन के देखा, अगर मैंने कहीं किसी स्कूल और मदरसों में जाके बोल दिया तो बोला धोस जमा रहा है। मैं आपसे आपके अंदर एक जोश भरने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी मदरसे में, किसी सरकारी मदरसे में, किसी सरकारी स्कूल में आप जाते हैं, वो आपका हक है, अगर आपको बोलता है कि धोस जमाने के लिए आया है तो आप सीधे बोलिए ठीक है मैं जिम्मेदार हूँ, अब धोस जमाऊंगा, और तब तक धोस जमाऊंगा तब तक तुम सुधर नहीं जाओगे। मेंबर साहब, समिति साहब और जिला परिषद और मुखिया साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर मदरसा और स्कूल और कोई भी संस्था, जो संस्था आपके आपके इलाके में है खास करके, अगर उसमें पढ़ाई नहीं होती है, उसमें तालीम नहीं दिया जाता है, तो जिम्मेदार आप हैं। यहाँ तो हिसाब लगेगा ही, आप तो इसके बाद उसके उस पे अगर मेहनत नहीं किए आप तो हारेंगे ही, क्योंकि आपने काम नहीं किया, आखिरत में भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए दुनिया को भी अच्छा करने के लिए और आखिरत को भी अच्छा करने के लिए आपको इन सब जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। मैं कुछ पॉइंट, हम लोग एक पहला मीटिंग रखे थे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सिकंदर बुखारी साहब का जो पोठिया से आते हैं, पोठिया में हमारे बिरादरी की तादाद कम है, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जो काम जिस काम को शुरुआत करे उनका तारीफ करना हम लोग भूल गए, कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसका तारीफ करके हम उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वो मुझसे आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए उसका तारीफ हम लोग नहीं करते हैं, और हम अगर आगे नहीं बढ़ पाए हैं, हम अगर आज पीछे हैं, तो कारण भी यही है कि एक दूसरे का तारीफ करना नहीं चाहते। अच्छा, अकलतुर रहमान मुखिया साहब जिला अध्यक्ष बन जाएगा, उसका तारीफ करेंगे, मुझसे तारीफ नहीं हो पाए, ये हमारी कमी है। अच्छा, इसराइल साहब उपचेयरमैन बन गए, उसका तारीफ करेंगे, ये हम कर नहीं पाते हैं। भाई अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसके गलती को उसको गिनाइए, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी अच्छाई को गिनाइए। देखिए, हम लोगों का प्रोग्राम करने का, हम लोग जो प्रोग्राम रखे थे, हम लोग एक छोटा सा मीटिंग रखे थे, उस मीटिंग में तय पाया था कि आज हमारे बीच शिक्षा की कमी है, और किसी हद तक उलमाए दीन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेंबर और समिति और मुखिया भाइयों से, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास, इस बिरादरी के पास अगर तालीम के मैदान में कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे उलमाए दीन कर रहे हैं, हमारे मास्टर लोग मास्टर बन गए हैं, और आज एक आदमी बोला कि हम सिरसावा की उन्हें क्या किया, मैंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन लोगों के सामने बोला सिरसावा की उन्हें ये काम किया, बाल बिहार सिरसावा की एसोसिएशन के लोगों ने ये काम किया कि जिस काम को आज जिसके बदौलत किसी दूसरे को गलत सर्टिफिकेट बनाने वाले को जो उसको हटाने का काम किया, वो भी सिरसावा की एसोसिएशन का ही काम है दोस्तों। वो पावर, वो आरक्षण आप किसी तरह से लड़ाई करके आपको दिया, तब उस पावर को इस्तेमाल करके, उस हथियार को हथियार बना के आपने उसको हटाया। आप बोलते सिरसावादी है क्या क्या, भाई आप मुखिया थे, आप मुखिया हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप करिए, आपको करने की जरूरत है। मैं एक जिला का जिम्मेदार होने के नाते मैंने सोचा, इससे पहले बहुत मुखिया बना, 20 साल से मुखिया बन रहा है, लेकिन हमने स्वागत करने का काम कभी नहीं कर पाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कटिहार जिला वालों का, बहुत काम नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह का स्वागत, जो जनप्रतिनिधि का स्वागत मैंने देखा है, मैंने सोचा कि नहीं मैं मुखिया हूँ, मुझे दुख है, लेकिन जो लोग जीते हैं उसका सम्मान बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम करने की जरूरत है।
इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ चीज कुछ नियम बनाया जाए, जैसे एसोसिएशन है भाई, आज और तंजीम आगे बढ़ गया। हमारा एसोसिएशन दो ही तंजीम चल रहा है इस वक्त, मैं देख रहा हूँ शेरशाहवादियों का खास करके दो ही तंजीम है, जो लोग शेरशाहवादी है और फिर दूसरे शेरशाहवादी है लेकिन अहले हदीस नहीं है वो तो अलग तंजीम में है। अहले हदीस एक तंजीम चल रहा है हम लोग का, और एक तंजीम है शेरशाहवादी एसोसिएशन, यही दो ही तंजीम को हम लोग नहीं चला पा रहे थे, और इसी के खिलाफ हम बोल बोल के मैं कहता हूँ। मैं कल एक दो घंटा डिबेट हुआ इसी बात पे कि मैं सबको खराब कहता हूँ, सब खराब है भाई, अच्छाओं का नाम गिनाइए, सिर्फ खराब 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 खराब। अच्छा करने का क्या तरीका है और अच्छे कौन लोग हैं उनका तारीफ करके वो कुछ काम किया जाए। मेरे दिल में दिमाग में कुछ बात आई थी और हमारे उस्मान साहब कुछ पॉइंट लिखाए थे, आप लोग भी नोट करें कि इस शेरशाहवादियों का और ये अहले हदीस का जो ग्रुप मिल के हाथ और आज हम लोग बैठे हैं, तीन विभाग है हमारे पास। एक पहला विभाग है शिक्षा विभाग, इस शिक्षा विभाग में हमारा मदरसा कैसे सुधरेगा, हमारे स्कूल के टीचर कैसे सुधरेंगे, हमारे स्कूल में पढ़ाई अच्छी कैसे होगी, हमारा बच्चा जो मैट्रिक करके इंटर में पढ़ना चाहता है और उसको उसके उसका नॉलेज नहीं है, उसका बाप अनपढ़ है पढ़े लिखे नहीं है, वो कहाँ भेजेंगे कैसे भेजेंगे, इसका मॉनिटरिंग कैसे होगा। जो लड़का हमारा आईएससी किया है और उसको डॉक्टरी में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए या और कोई विभाग में जाना चाहिए, उसको पता नहीं है अब कैसे होगा। जबकि आज सरकार ने ऐसा ऐसा स्कीम खोला है कि आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप पैसा नहीं लगेगा, फ्री का पढ़ाई है, कम पैसे में हो सकता है, लेकिन वो भटक रहे हैं उसको कैसे दिया जाए। सर खत्म कर दीजिए, हमको जो इस मुद्दे पे बात हो रही है वो मुद्दा को खत्म करने दीजिए, उसके बाद हमको कुछ बोलिए। उस शिक्षा विभाग का एक टीम होना चाहिए कि वो टीम ये तय करे भाई, उसका सदर सेक्रेटरी अध्यक्ष हो,